मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा फेस देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि अभी बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग है और मैं अभी फ्रेश हुई हूँ, तो थोड़ा मुँह फुला फुला लग रहा है। वेलकम बैक आपकी लाइफ ब्लॉग, होप यू आर डूइंग वेल। और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। जैसे कि पिछले दिन आपने देखा कि कल मेरे घर में दो दो न्यू मोबाइल फ़ोन आया है, एक पापा के लिए एक भैया के लिए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी नया चीज़ खरीदाता है घर में तो सभी ज़्यादा खुश होते हैं। ये हम लोगों का शुरू से ही आदत होता है या फिर ह्यूमन नेचर बोल सकते हैं इसको। तो मैं थोड़ी दुखी हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल चाहिए था नया, बट अभी नहीं ले पा रही हूँ। बट क्या कर सकते हैं, सब चीज़ तो एक साथ नहीं हो सकती है। पूजा की बहुत सारी शॉपिंग है, बहुत सारे खर्चे हैं, और इसमें एक और भी चीज़ है जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि एक सरप्राइज़ है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कोई आने वाला है और वो आज आने वाला है। वो कौन है? वो है मेरी दी। जी हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी दी, मेरी सेकंड मदर, आप कुछ भी उसे बोल सकते हो। वो मेरे दिल के बहुत करीब है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। सिस्टर कम बेस्ट फ्रेंड हम लोग ज़्यादा हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि वो आने वाली है आज, वो शाम तक आएगी। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या कैप्चर कर पाते हैं, मैं आपको क्या दिखा पाती हूँ। आज मुझे आईब्रो भी ग्रूमिंग करवाना था, आज 29 सितंबर है, 29th of September, और कल है मेरा बर्थडे। जी हाँ, कल मेरा जन्मदिन है। तो दी एक दिन पहले ही आ रही है क्योंकि ऑब्वियसली जब जन्मदिन साथ में है तो उसने सोचा कि चलो साथ में सब कोई रहेगा तो अच्छा लगेगा, और ऐसा कुछ नहीं है। तो बस हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वेट कर रहे हैं जल्दी शाम हो सबसे मिले। तो देखते हैं आज का पूरा दिन कैसे निकलता है। तो चलिए बने रहिए आप भी इस ब्लॉग में और देखिए कि कैसे पूरा दिन निकलता है। और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल मैं चाय बना रही हूँ और चाय पहले पीते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद मैं पहुंची ब्यूटी पार्लर दोपहर में 11:30 के लमसम उस टाइम। उसके बाद मैंने अपना आईब्रो ग्रूमिंग करवाया, मुझे हेयर कट भी करवाना था बट ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो गई थी ब्यूटी पार्लर में। जानते हैं पूजा है तो फ्री नहीं था, इसलिए मैंने और कुछ नहीं करवाया क्योंकि पहले से ही बुक था। और ग्रूमिंग करवाने के बाद एक शेप मिल जाता है आईब्रो को। फिर हम लोग वहाँ से निकले और जोरों की भूख लगी थी क्योंकि दोपहर हो चुकी थी, लाइन था ब्यूटी पार्लर में तो दोपहर हो चुकी थी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए जो हम पटना सॉरी जो कोलकाता का फेमस है पूरी और मतलब कचौड़ी या सब्जी जो आप बोले वो खाया। जब भी लोग आने वाले थे तो हम लोगों ने स्वीट्स भी लिया और मैं आपको यहाँ पे स्वीट्स दिखा रही हूँ। कितने कम रेट में 8 रुपये 10 रुपये 20 यहाँ पे स्वीट्स मिल रहे थे सारे, तो बहुत ही किफायती था। हम लोगों ने वहाँ से स्वीट्स लिए, देन हम लोग वहाँ से निकले तो सब्जी थोड़ा सा लेना था, हम लोगों ने उसकी मार्केटिंग। चलिए घर चलते हैं क्योंकि दोपहर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। चलिए शाम के टाइम हम लोग बाहर निकले फिर से कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो हमने सबसे पहले छोला खाया, यहाँ पे हर जगह आपको छोला मिल जाएगा। और चूँकि 30 सितंबर को मेरा बर्थडे था तो हम लोगों ने वहाँ से स्वीट्स ले लिए एक रात पहले ही, क्योंकि मॉर्निंग में पूजा करना था तो इसलिए मैंने वहाँ से स्वीट्स ली। और स्वीट्स मैंने थोड़ा ड्राई ही रखा था क्योंकि सबको देना रहता है, चींटी वगैरह ना लगे, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के स्वीट्स लिया। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर मैंने फूल लिया। फूल लेने के बाद मैं घर पे ले जाके रख के आई। उसके बाद मैं पहुँची स्टेशन वहाँ पे दी लोग को लेने के लिए। और यहाँ देखिए मैं अकेली थी क्योंकि मम्मी लोग घर पे थी, मम्मी बोले जाओ तुम लेके आओ। हम लोग के उधर भी बहुत अच्छा पंडाल लग गया है, तो रहना तो चाहिए। और स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था तो मैं अकेले ही रिसीव करने के लिए आ चुकी थी। ट्रेन इतनी लेट है कि मेरे दिलो बोल रही है कैसी लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि मैं वीडियो ले रही हूँ इस लोग में। तो मैं रखती हूँ अभी, ठीक है, बाद में जब रेडी हो जाएगी तो दिखाऊंगी। Thank you.
उसके बाद ही घर आई। घर आने के बाद सब प्रणाम वरणाम हुआ, गले मिलने का सिलसिला चालू हुआ। उसके बाद बहुत देर तक हम लोगों ने गप्पे मारे। फिर दीप मेरे बेटे के साथ खेल रही थी और देखिए कितनी मस्ती कर रहा है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें करते करते रात के 12 कब बज गए पता ही नहीं चला। उसके बाद भाई आया और सबसे बड़ा सरप्राइज़ वो मेरे लिए लेके आया, और वो ये था कि उसने मेरे लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आया था जो मेरा फर्स्ट बर्थडे ब्रिंगिंग एवर ये था। मैंने इससे पहले कभी भी रात में 12 बजे केक कट नहीं किया था। थोड़ा अजीब लगता है आज के टाइम में, ऐसा नहीं किया मैंने कभी, बट हाँ ये सच है। और मुझे बोलने में इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि मैं पहली बार अपना बर्थडे ऐसे फैमिली के साथ मना रही हूँ शादी के बाद। तो ये उसकी तरफ से गिफ्ट था, उसने चॉकलेट्स भी लेके आया था मेरे लिए रैप करवा के, और एक ड्रेस भी लेके आया था जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और हम लोगों ने छोटा सा बर्थडे केक काटा और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये एक अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था कभी, बट उसने ये सरप्राइज़ दिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो थैंक यू ब्रो। और उसके बाद बस हम लोगों ने अपना केक सेटिंग किया, और जानते ही हम लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब मस्ती के मूड में थी। इतनी जोरों की आवाज़ आ रही थी कि मुझे वीडियो म्यूट करना पड़ा, क्योंकि आप लोग सुनते तो बोलते हैं क्या हो रहा है, चिमरे बहुत मेरा गला पहले ऐसा भारी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली अच्छा लग रहा है। देखते हैं कल का दिन कैसे बीतता है। तो ये मैं छोटू सा ब्लॉग यही पेंड करती हूँ, कल का फ्रेश ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी अपने बर्थडे ब्लॉग का, जो कि मेरा बर्थडे ब्लॉग होने वाला होगा। तो होपफुली आपको ये छोटू सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।